Welcome. Welcome to my channel. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि हैं 27 एंड 28 के रिवीजन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने क्लास कर नहीं पाई थी क्योंकि हमारा फेस्टिवल था, होली फेस्टिवल। आप लोगों को भी हैप्पी होली। और अभी मैंने रिवीजन क्वेश्चंस में ही वन लाइनर के रूप में ही सबको इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि सारा कुछ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, बट रिवीजन वन लाइनर के तरीके से इंक्लूड किया है सारे क्वेश्चंस को 27-28 मार्च के लिए। और 29 मार्च के जो भी, 29 मार्च को तो हॉलीडे थी, और आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो पहले रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे और उनको आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोग सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर है लॉन्च द मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन। किस स्टेट ने किया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन को? तो ये है मध्य प्रदेश। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द बेस्ट एसएमई बैंक ऑफ इंडिया बाई एशिया मनी? किसको है, कौन सी है? HDFC बैंक। व्हेन डिड असम राइफल सेलिब्रेट इट्स 186th रेजिंग डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया गया है? 23 मार्च को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज बनाना महोत्सव? किस स्टेट ने मनाया, ऑर्गेनाइज किया था? उत्तर प्रदेश ने। एडम जैगजी स्क्वी डाइड हु आवर दे, कौन थे ये? पोएट थे एडम जैगजी। वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल प्रोजेक्ट बींग बिल्ड? ये है नॉर्वे। इसको मैंने डिटेल में भी इंक्लूड किया है क्वेश्चन में आज के, तो आप लोग जब करंट अफेयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द 2020 व्यास सम्मान? ये है प्रोफेसर शरद पागरे। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग विल रिज्यूम बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? किस कंट्री के बीच में हुआ है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मेडल हैज चिंकी यादव वोन इन ISSF वर्ल्ड कप? कौन सा मेडल इनको मिला है? ये मिला है गोल्ड। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेल 4% स्टेक इन रेल विकास निगम? कितना परसेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है बेचने का? 15%। वेयर इज द इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनोग्रेटेड? कहाँ पे हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। Recently, which country has successfully tested the Shaheen-1A missile? कहाँ पे किया है ये? कौन सी कंट्री ने किया है? पाकिस्तान ने किया है। Recently, who has been appointed as Mahindra and Mahindra as managing director and CEO? किसको बनाया गया है? अनिश शाह को। Who started the tribal TV initiative as part of TV free India? किसने स्टार्ट किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। When is Earth Hour Day celebrated? कब मनाया जाता है Earth Hour Day? यह है 27 March. Recently, Fitch Rating has estimated what percent of India's GDP in financial year 2021 to 2022? कितना परसेंट रहने का एस्टिमेट किया है? 12.8% जो है GDP रहने का एस्टिमेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When is World Theatre Day celebrated? तो ये होता है 27 मार्च को। Which state has announced the introduction of affordable rental house scheme? किसने किया है? ये है उत्तर प्रदेश ने। Recently, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा was a famous
डिमाइस ये क्या थी जिनकी डेथ हुई है, ये डांसर थी। वेयर इज द 28 हुनर हट इनॉग्रेटेड, कहाँ पे हुआ है ये गोवा में इनॉग्रेट किया गया है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली क्लाइंबर्स रोहतास खलेरी एंड अनु यादव हैव सेट अ रिकॉर्ड ऑफ 24 आवर स्टॉप एट विच हाईएस्ट पीक माउंट किली मंजारो। 24 आवर्स में ये किली मंजारो तक पहुंच गए। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर विल गो ऑन 2 डे ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री में जाएंगे 2 दिन के लिए, ये है तजाकिस्तान। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनाउंस द गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप फॉर यूथ ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के लिए है ये, बांग्लादेश के लिए। अभी बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था तभी ये नरेंद्र मोदी जो है बांग्लादेश गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली डेनिस सासुआ नगीसो हैज वोन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री है ये, कॉन्गो के, पहले भी ये यही रहे थे और फिर से ये री इलेक्ट किए गए हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अनाउंस टू चेंज विच सिटी इन द पुलिस कमिश्नर रेट, तो ये क्या है, कानपुर एंड बनारस, वाराणसी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये है जो भी क्लासेस नहीं कर पाया हूं मैं उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर लिया है। और अब आज के जीके क्वेश्चंस पे आते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा और भी मैं मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा और भी चीजें इंक्लूड करूंगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें कि और कौन सी स्टैटिक पोर्शन में कौन सी चीजें इंक्लूड करूं मैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विद विच कंपनी इसरो पार्टनर टू अंडरटेक ज्वाइंट रिसर्च एक्टिविटीज, किस के साथ किया है, एनआईटी, आईआईटी, एसआईटी या IISc। तो राइट आंसर इसका बन जाता है IIST, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो हैज पार्टनर्ड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST का फुल फॉर्म है ये, टू अंडरटेक ज्वाइंट रिसर्च एक्टिविटीज। द पार्टनरशिप मॉडल विल बी सिमिलर टू द JPL कॉल्टेक मॉडल फॉलोड बाई US स्पेस एजेंसी नासा। जो पार्टनर मॉडल जो है JPL, वो किसको फॉलो करता है, US स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ही बना। JPL जो है जेट प्रोपुलजन लेबोरेटरी इज फाउंडेड बाई नासा एंड मैनेज बाई कॉल्टेक, नासा ने बनाया था और इसको मैनेज कौन करता है, कॉल्टेक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज लीडिंग सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड कंडक्ट अर्थ ऑर्बिट एंड एस्ट्रोनॉमी मिशंस। ये जो रोबोटिक्स है सोलर सिस्टम में और अर्थ ऑर्बिट और एस्ट्रोनॉमी मिशंस को ये कंडक्ट करते हैं, कौन, कॉल्टेक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अंडर द इनिशिएटिव न्यू एडवांस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट विच हैव बीन नॉट अंडरटेकन सो फार वाई इसरो विल टेकन अप बाई फॉर डेवलपमेंट, जो अब तक प्रोजेक्ट्स नहीं किए गए हैं अब वो इसरो इसके थ्रू किए जाएंगे इसरो में। इनिशिएटिव टेकन अंडर पार्टनरशिप क्या है, अ फ्रेमवर्क हैज बीन फ्रेम्ड विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस CBPO, ये इट विल एक्ट एज फोकल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ज्वाइंट रिसर्च एक्टिविटीज बिटवीन द टू एंटिटीज। एडवांस स्पेस रिसर्च ग्रुप क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस प्रोजेक्ट की, उसके थ्रू क्या एप्लीकेशंस है वो आइडेंटिफाई करना, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एम्पावरमेंट ओवरसीइंग कमेटी टू रिव्यू एंड अप्रूव द प्रपोजल्स। और ये जो कमेटी जो अप्रूव जो भी प्रपोजल्स देगा उसको अप्रूव करने के लिए ये दूसरी एंटिटी बनाई गई। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर IISt की बात करें तो डायरेक्टर इसके डॉक्टर VK धवल हैं और लोकेशन इसकी केरला है।
अब केरला स्टेट के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और चीफ मिनिस्टर जो है पी नारायण विजयन है। अगर इसका फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 20 हैं, राज्यसभा सीट्स 9 हैं और चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट की बात करें तो एस मनी कुमार हैं। और अगर एरिया वाइज बात करें इसकी तो 21 रैंक है ऑल ओवर इंडिया और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 14 है। अगर रिवर्स की बात करें तो पेरियार रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है और काबिनी है रिवर, नेयार रिवर है जो कि शॉर्टेस्ट रिवर है केरला की, और मीनांचल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, काफी बार एग्जाम से पूछे जाती है ये। नेशनल पार्क की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क, ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप टिक कर लें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आरालम वाइल्ड लाइफ से चिम्मेमिनी वाइल्ड लाइफ, इदुक्की, पेरियार और चिन्नार, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि लार्जेस्ट है पूरी इंडिया का। अगर बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो ये हम केरला है, यहाँ पे अगर बात करें तो कर्नाटका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये इधर तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मेनी सिटीज एन सी ए पी साइन एमओयू फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स, कितनी सिटीज में, 132 सिटीज में करने के लिए साइन किया है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, अर्बन लोकल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट IOR फॉर 132 आइडेंटिफाई सिटीज साइन MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में ही 132 सिटीज को आइडेंटिफाई किया है स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने, जिसके जिसमें ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द MOU वॉज साइंड इन प्रेजेंस ऑफ प्रकाश जावड़ेकर, जो क्या है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, और 82 नॉलेज पार्टनर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट IIT ICISIR लैब्स एंड स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इसमें जोड़ा गया है। अ नेशनल नॉलेज नेटवर्क कंसिस्टिंग लीडिंग एयर क्वालिटी स्पेशलिस्ट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज अ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर सपोर्टिंग एक्टिविटीज अंडर NCAP। NCAP अ नेशनल लेवल स्ट्रेटजी एम्स टू टैकल एयर पोल्यूशन बाई अचीविंग 20-30% रिडक्शन इन पर्टिकुलर मैटर कंसेंट्रेशंस इन अ लीस्ट 102 सिटीज बाई 2024। 2024 तक इन लोगों ने एक टारगेट सेट किया है कि 20-30% तक पोल्यूशन को कम कर लेंगे एटलीस्ट 102 सिटीज में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट की बात करें तो इसके प्रकाश जावड़ेकर हैं, जो कि राज्यसभा MP हैं, कहाँ से, महाराष्ट्र से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो बाबुल सुप्रियो हैं, लोकसभा MP हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो है एसनॉल वेस्ट बंगाल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद विच कंपनी CESL साइंड अ पैक्ट टू डिमांड एग्रेशन फॉर ई मोबिलिटी एंड अदर इनिशिएटिव ऑल CESL, तो राइट आंसर इसका बन जाता है ए ऑप्शन, CESCSPV। अगर इसके बारे में बात करें, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL किसके साथ में पैक्ट साइन किया है, CESC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, आई स्पेशल पर्पस व्हीकल CESC स्पेशल पर्पस व्हीकल CPS टू क्रिएट अ डिमांड एग्रीगेशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लोग, उसके लिए ही इनिशिएटिव ये किया गया, सोलर एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन अंडर इनिशिएटिव ऑफ CESL।
महुआ आचार्य एमडी एंड सीईओ ऑफ सीईएसएल एंड दिनेश कुमार त्यागी एमडी ऑफ सीएससी एसपीवी साइंड द एग्रीमेंट इन प्रेजेंस ऑफ सौरभ कुमार एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ ईईएसएल ग्रुप एंड अदर डिग्निटरीज ऑफ ईईएसएल सीईएसएल एंड सीएससी। महुआ आचार्य जो कि एमडी एंड सीईओ हैं किसके, सीईएसएल के, और दिनेश कुमार त्यागी हैं एमडी ऑफ सीएससी एसपीवी। इन दोनों के बीच में साइन एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस टाइम पे सौरभ कुमार प्रेजेंट थे जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ईईएसएल के, और काफी लोग प्रेजेंट थे जिस टाइम पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अंडर दिस एग्रीमेंट सीईएसएल एंड सीएससी विल एग्रीगेट द डिमांड एंड कैरी आउट द फिजिबिलिटी स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट इन रिन्यूएबल्स ई मोबिलिटी एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये जो है होली ओन सब्सिडरी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ईईएसएल की होली ओन सब्सिडरी है। एमडी एंड सीईओ की बात करें तो महुआ आचार्य है, और सीएससी की बात करें तो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, आई स्पेशल पर्पज व्हीकल, इट वॉज सेटअप बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आई टी अंडर द कंपनी एक्ट 1956। अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के अंदर बनाई गई है ये, और इसको ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के अंदर आती है। पर्पस क्या है, टू ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएससी स्कीम, जो भी स्कीम साइन हुई है उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छे से, वो इसके थ्रू ही देखा जाएगा। एमडी जो है दिनेश कुमार त्यागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट यूनिटाइज स्टेट्स 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन, कहां पे 100% पानी सभी घरों में पहुंच रहा है, वो है अंडमान निकोबार। ऑन वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे का मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसी दिन पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार एडमिरल डी के जोशी अनाउंस द यूनियन टेरिटरी एज 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC अंडर जल जीवन मिशन। विद दिस अंडमान निकोबार बिकम इंडिया फर्स्ट यूटी यूनियन टेरिटरी एंड द थर्ड टू अचीव द टारगेट। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है और थर्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ये, इसने टारगेट को अचीव किया। फर्दर द यूनियन टेरिटरी इज प्लानिंग टू कन्वर्ट जल शक्ति मिशन इंटू अ पीपल्स मिशन वेयर एवरी हाउस शैल हैव अ पॉन्ड विद फिश बिसाइड वाटर हार्वेस्टिंग। टारगेट ऑफ JJM इज टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। 2024 तक सभी घरों में ये टैप वाटर पहुंचेगा, ऐसा टारगेट फिक्स किया है जल जीवन मिशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज अ वर्ल्ड फर्स्ट स्टेट शिप ट्यून्ड टनल टू बी कंस्ट्रक्टेड, कहाँ पे बनाया जाएगा, जो ये है रशिया में, नॉर्वे, चाइना या इंडिया, तो फर्स्ट आंसर इसका बन जाता है नॉर्वे। द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल स्टेट शिप टनल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्वे, द टनल विल बी अंडर अर्थ द माउंटेन इन नॉर्वे स्टेट हार्वेस्ट, इसीलिए इसको स्टेट शिप कहा गया कि ये माउंटेन्स के अंदर से बनाया जाएगा रास्ता जिसमें शिप निकलेंगे। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाई नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, द वर्क ऑन द ब्रिज विल बी कमेंस इन 2022। 2022 से वर्क इस पर शुरू होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 से 26 तक ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर नॉर्वे की बात करें तो पीएम यहाँ पे एरना सोलबर्ग है, कैपिटल इसकी ओस्लो है, और करेंसी यहाँ पे नॉर्वेजियन क्रोन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोविड पुशेस बैक इंडिया यूएसडी 5 ट्रिलियन जीडीपी गोल बाई हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग BOFA सिक्योरिटी रिपोर्ट, कितने साल पीछे कर दिया है, 4 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर, 9 ईयर, तो राइट आंसर इसका बन जाता है 3 ईयर। अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी रिपोर्ट, किसने दिया है ये, बैंक ऑफ अमेरिका ने ये रिपोर्ट दी है, कहा है कि इंडिया कोविड की वजह से जो पहले टारगेट सेट किया था 5
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंचाने का, वो अब 3 साल पीछे चली गई है। पहले जो टारगेट सेट किया था वो 29-30 तक पहुंचाना था, बट अब 31 से 32 तक चला गया। द पेंडेमिक हैज ऑलरेडी सेव ऑफ 15.7% ऑफ इंडिया जीडीपी फ्रॉम 2020 अकॉर्डिंग टू द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिलीज्ड इन फेब 2020। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जब पिछले साल फेब में ये रिपोर्ट जारी की थी तब इंडिया फिफ्थ रैंक थी वर्ल्ड इकोनॉमी में। इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू टच जापान जीडीपी इन 2031 इफ इट ग्रोज एट 9% एंड इन 30 इट ग्रोज एट 10%। अगर 10% भी ग्रो करती है हर साल तो ये 2030 तक जापान की जीडीपी जो है उसको टच कर सकती है। द रिपोर्ट डिड नॉट एस्क्राइब अ साइज टू इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमी विच स्टूड एट 2.65 ट्रिलियन इन 2019 एंड 20। 2.65 ट्रिलियन थी जिसको टारगेट सेट किया था कि 5 ट्रिलियन पहुंचाएंगे, बट कोरोना की वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया। द ओनली मेन डाउन साइड रिस्क टू सस्टेन ग्रोथ इज द ऑयल प्राइस, स्पेशली इफ इट टेंड्स एट ओवर USD 100 अ बैरल। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ब्रायन मॉइनीहन इसके सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है चार्लोट नॉर्थ कैरोलिना USA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपनी इंक्ड एन MOU विद SBI फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। किस कंपनी ने किया है? हुंडई ने, टाटा मोटर्स, मारुति, तो राइट आंसर इसका बन जाता है टाटा मोटर्स। इसने SBI के साथ में फाइनल असिस्टेंट किया है जिससे कि जो लोग गाड़ी खरीदेंगे उनको इजली लोन लेने में प्रॉब्लम ना हो। टाटा मोटर्स आर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैज साइन अ 3-ईयर MOU स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द कमर्शियल व्हीकल कस्टमर फॉर द परचेज ऑफ द टाटा मोटर रेंज ऑफ स्मॉल एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल। जो लोग भी स्मॉल और लाइट व्हीकल्स को परचेज करेंगे उनके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे। और टाटा मोटर्स की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका 1945 में हुआ था। एमडी एंड सीईओ जो है गुंटेर बुस्टैक हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। SBI की बात करें तो चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं और टैगलाइन यहाँ पे क्या बन जाती है, द नेशंस बैंक ऑन अस। काफी बार बैंक के एग्जाम में टैगलाइंस पूछ ली जाती है तो आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद विच बैंक IIFL सिक्योरिटीज टू लॉन्च KBL स्मार्ट ट्रेड। किसके साथ, विच किस बैंक ने? तो ये है कर्नाटका बैंक की बात करें तो मेड अ टाई अप विद IIFL सिक्योरिटीज अ ब्रोक एंड एडवाइजरी फर्म एंड इंट्रोड्यूस्ड KBL स्मार्ट ट्रेड अ सॉल्यूशन फॉर इट्स कस्टमर कैपिटल मार्केट नीड बाई प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी टू एक्सेस IIFL सिक्योरिटी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स। कर्नाटका बैंक ने ब्रोकरी और एडवाइजरी फर्म को इंट्रोड्यूस किया है KBL स्मार्ट ट्रेड। ट्रेडिंग अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है और डीमैट अकाउंट। फीचर ऑफ KBL स्मार्ट ट्रेड क्या है? इट विल प्रोवाइड 2-in-1 अकाउंट फैसिलिटी दैट कर्नाटका बैंक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर कैन ओपन डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट विद IIFL सिक्योरिटी इंस्टेंटली। जो भी जिसका भी सेविंग अकाउंट होगा कर्नाटका बैंक में वो क्या कर सकता है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता है IIFL सिक्योरिटीज के साथ में। कस्टमर विल एबल टू डायरेक्टली ओपन एन अकाउंट अंडर द KBL स्मार्ट ट्रेड अरेंजमेंट। डायरेक्टली ओपन कर सकता है। द अकाउंट होल्डर कैन एक्सेस लाइव प्राइस एंड अलर्ट रिसर्च एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स कस्टमाइजेबल वॉच लिस्ट। ये जितना भी ट्रेडिंग में यूजफुल चीजें होंगी वो सारा कुछ इसको कस्टमर को पता चलता रहेगा। कर्नाटका बैंक की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका 1924 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर। टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, इसको टिक कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एमडी एंड सीईओ जो है महाबलेश्वर एमएस है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो जल्दी जल्दी लाइक करते रहे वीडियो को। रिसेंटली इंडिया एंड यूएस नेवीज कंडक्ट विच एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल। कौन सी एक्सरसाइज की है? पैसिक्स, इंदिरा, मालाबार, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका बन जाता है पैसिक्स। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूएस कंडक्टेड आर 2 डे पैसिक्स एक्सरसाइज पैसिक्स इन वे ऑफ बंगाल फ्रॉम मार्च 28 टू 29 2021। फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स ऑल्सो टुक पार्ट इन एक्सरसाइज। इंडियन नेवी डिप्लॉय इट्स वॉरशिप। इंडिया की तरफ से जो थी शिवालिक थी और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I इन द पासेक्स एक्सरसाइज। यूएस की तरफ से एयरक्राफ्ट P-8I था। द यूएस नेवी वॉज प्रेजेंटेड बाई यूएसएस थियोडोर रोसवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। किसने रिप्रेजेंट किया था? थियोडोर रोसवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज इंडिया इनिशिएट्स थर्ड फेज ऑफ इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट। कहाँ पे किया है? चाइना, जापान, रसिया या ईरान? तो राइट आंसर इसका बन जाता है जापान। द थर्ड फेज ऑफ इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन जापान विद स्पेशल फोकस ऑन रिसर्च बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन दिस फेज इंडियन रिसर्चर विल बी ट्रेन विद द एडवांस्ड एक्सरे टेक्निक्स यूज इन मटेरियल रिसर्च। इंडियन बीम लाइन इज अ मल्टीपर्पज बीम लाइन दैट फैसिलिटेट वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन एक्सरे सोर्स लोकेटेड इन जापान। बीम लाइन के थ्रू और भी एक्सरे के जो सोर्स हो सकते हैं उसको सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे कहाँ पे? जापान में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेक्रेटरी है आशुतोष शर्मा। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1971 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। जापान की बात करें तो पीएम योशिहिदे सुगा है। कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन चलती है यहाँ पे। हु इज बिकम द ओनली एशियन टू विन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड? कौन है? बाला सिंह देव, महिंदर गिरी, जोगिंदर जग्गा, मोहम्मद आरिफ। तो राइट आंसर इसका बन जाता है महिंदर गिरी। रेंजर महिंदर गिरी ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व बिकम द ओनली रेंजर फ्रॉम एशिया टू विन द प्रेस्टीजियस न्यू इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज एफर्ट रिड्यूसिंग द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन एंड अराउंड द आरटीआर एंड हिज रोल इन ट्रिगर ट्रांसलोकेशन एक्सरसाइज फॉर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व टू आरटीआर। द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड फॉर 10 प्रोफेशनल अक्रॉस द ग्लोब बाई द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। इन्होंने ही 10 प्रोफेशनल्स को अनाउंस किया है ये अवार्ड। और IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, DG इसके डॉक्टर ब्रूनो ओब्रेल हैं और हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्कोप? तो राइट आंसर इसका बन जाता है सोमा चौधरी, सोमा शर्मा, सोमा मंडल या शंकर सिंह। तो राइट आंसर इसका है सोमा मंडल। सोमा मंडल की बात करिए चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बनाई गई है और ऑफ स्टैंडिंग कन्फेडरेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज स्कोप जो कि सेल की पहले से ही है और अब स्कोप की बनाई गई। सी हैज बीन एक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से इनका शुरू हो जाएगा और 2 साल के लिए बनाई गई है। प्रदीप कुमार दास चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ स्कोप। और प्रदीप कुमार दास को वाइस चेयरमैन बनाया गया है स्कोप का। द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस बाय अतुल सोपती डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कोप एंड रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ इलेक्शंस। किसने ये अनाउंस किया था? डॉक्टर सॉरी डायरेक्टर जनरल किसके? स्कोप के, अतुल सोपती ने। अबाउट सोमा मंडल के बारे में बात करें तो सोमा मंडल हैज बीन द चेयरपर्सन ऑफ सेल सिंस 1 जनवरी 2021। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल। ये
सेल में 1 जनवरी को चूज की गई थी, उसके बाद में इलेक्ट की गई थी, और ये पहली महिला है जो कि चेयरपर्सन है किसकी, सेल की। सी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन फंक्शनल डायरेक्शन डायरेक्टर ऑफ सेल। ये फर्स्ट वुमेन फंक्शनल डायरेक्टर भी थी। सी इज द मेंबर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII नेशनल कमेटी एंड स्टील एंड चेयरपर्सन ऑफ CII सब कमेटी ऑन सेफ गार्ड फॉर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। स्कोप स्टैंडिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म बन जाता है स्कोप का। स्कोप इज एन एपेक्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। आई होप आप लोगों को ये पूरा आज की क्लास समझ आई होगी, और रिवीजन क्लास को एक बार फिर से आप लोग वन लाइनर में ही मैंने इंक्लूड किया था, इसीलिए कि जल्दी जल्दी से सारे 2-3 डेज के करंट अफेयर क्वेश्चंस हो जाएं। तो आप दोबारा से देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे डेली का डेली मैं PDF डालता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग जब भी पढ़ना चाहें आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।